हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली सुपर भी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हो चुका हूं फुल रेडी। तो हम जा रहे हैं हमारे फेडरेशन की तरफ से, हम सबको मतलब जितने भी हम मेंबर्स हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सबको फ्री कैंप है, मेडिकल कैंप। तो उसमें चलते हैं और देखते हैं कि आज का ब्लॉग भी होने वाला है कुछ खास। तो प्लीज़ बने रहिए और ऐसे प्यार बरसाते रहिए। चलते हैं कुछ खास। आज हम निकल तो चुके थे जैसे कि आपने देखा, आज मैं हाशमिन को ले जा रहा हूँ मेट्रो में। तो आज हमारा फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं मेट्रो में, ये जा रही है मेट्रो में। तो चलिए देखते हैं आज इसका मेट्रो का सफ़र, एक छोटा सफ़र है क्योंकि मैं बोला चलते को आज मेट्रो में ले ही जाता हूँ, थोड़ा घुमा भी लेता हूँ। चलिए, तो ले चुके हैं हम टिकट और आप बैठेंगे मेट्रो में, देखेंगे हाशमिन का सफ़र कैसा होता है, कैसा फील मिल रहा है। एयरपोर्ट फ्लाइट वाला फील मिल रहा है ना अगर मेट्रो में तुमको आए। हाँ, फ्लाइट में भी चले जाएंगे, टेंशन क्यों ले रही है? क्या बोलती हो? हाशमिन जाने वाली है फर्स्ट टाइम मेट्रो में और ट्रेन आ चुकी है। एक्साइट नहीं आई मतलब कभी, तो भी मजा आए। कैसा फील होगा? आवाज आने वाली है नहीं? हाँ? ये बताओ कि तुमको फील कैसा हुआ मेट्रो में बैठ के? अच्छा फील हुआ, ऐसा नहीं। तुम्हारा एक वो था कि चलो मेट्रो में बैठेंगे, तो मेट्रो में हम मतलब मैं तो बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया था कि तुम बैठ जाओ। कैसा लगा सफर? चाहे दो स्टेशन का ही है लेकिन कैसा लगा? लेकिन कैसा था? छोटा सा सफर था। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ का ब्लॉग मेन है हमारा। चलते हैं वहाँ पे और करते हैं क्या क्या करना है आज। तो यस, मेट्रो से निकले और बैठ गए हम रिक्शे में। मेट्रो स्टेशन से वहाँ जहाँ हमें जाना है वो है एटलीस्ट 10 मिनट दूरी पर। तो यस, पहुंच गए अपने कैंप पे और उधर इको पंचर वाले लोग का, और वो आगे ना दवाई मिल रही है, और उधर आयुर्वेदिक दवाई का है। सुन, वो आगे वाले कहाँ पे भाई? वो उधर आगे उस तरफ। अच्छा अच्छा, ये एग्जैक्टली क्या है? ये दोनों इको पंचर का है, पीछे इको पंचर का। बॉडी कम करने वाले। अच्छा, ये बॉडी कम करने वालों का। इको पंचर वाले खाना खाने गए और उधर आयुर्वेदिक वाला है वो साइड में वहाँ पे। एग्जैक्टली और क्या क्या है इधर भाई? ये पूरा ये बीच में ना ब्लड प्रेशर चेक करने वाले लोग हैं और वो लाइन में है ना आगे, आंखों की जांच होती है और उधर आंखों का चश्मा उधर ही मिलता है। यस सर। और ये कोने पे अपना मधुमेह की दवाई की है, मतलब डायबिटीज का चेकअप का, डायबिटीज की दवाई का। और ये है ईश्रम कार्ड का और आयुष्मान कार्ड का। अच्छा, आयुष्मान कार्ड और ईश्रम कार्ड भाई। और कुछ? ये जो ये हमारा कैंप लगा हुआ है ये किसने मतलब प्रोवाइड किया और क्या क्या किया? ये हमारी अपनी एफिलिएट है फेडरेशन, ये सब फेडरेशन ने मिलकर 22 क्लब को, सारे लोगों को, अपने मेंबरों को बुलाया है और उनकी हेल्प के लिए और वेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, स्पेशली इंडस्ट्री वालों के लिए, स्पेशली इंडस्ट्री वालों के लिए और अलावा उनके फैमिली के लिए भी है, और अदरवाइज आप आजू बाजू वालों को भी बुला सकते हैं। लास्ट टाइम कम थे आपकी बात पे और उससे ज़्यादा लोगों ने किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है और अच्छा लगा ये कि यहाँ पे हो रहा है, इसका सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। सब डॉक्टर्स लगे हुए हैं विद ऑल द मेडिसिन। देख रही हो कितना सारा वो है हमारी इंडस्ट्री में ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा फटफट, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ हमारी किटी दी का चल रहा है कुछ। किटी दी कैसे हो आप? क्या क्या चल रहा है एग्जैक्टली बताना चाहेंगे? हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा
पैर का ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, क्या नी में आपके प्रॉब्लम है? ओके ठीक है, आपका ट्रीटमेंट होने के बाद हम मिलते हैं। किटी दी हमारी बहुत शर्मा रही है। अरे इतना शर्माने की क्या जरूरत है, हम तो आपको थैंक्स कहने आए हैं कि इतना बड़ा कैंप लगा हुआ है, इसमें आप लोग शामिल हुए, थैंक्स अ लॉट। और आप जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सी छोटा सी एक डिक्टेट कर दीजिए। यस, लवली लवली, थैंक यू वेरी मच। तो अभी समझिए, ये साल तो कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, तो नेक्स्ट ईयर शायद आप लोग हो, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को या हमारी इंडस्ट्री के लोगों को कि आइए? हाँ बोलिए ना, आइए और ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये फ्री ऑफ चार्ज है, सबसे बड़ी चीज़। एंड मैं ये आप सबको, जितनी भी आपकी टीम है, मैं उन सबको दिली थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे लिए आए और आप सब ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू, वी ऑल लव यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो यस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वो मशीन है जो आपकी पूरी बॉडी लेवल बता देगी कि आपको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ नहीं है। तो चलिए, पहले हो रहा है हाशमीन का, पहले हाशमीन का कराएंगे, उसके बाद हम कराएंगे अपना। तो देखिए कैसे वो ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो है एकदम एब्सोल्युटली फ्री। सी, फ्री 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 बॉडी फैट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट और हाशमीन का देखते हैं कि हाशमीन का रिजल्ट क्या होने वाला है। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि हाशमीन का हो चुका है और अब मेरा टर्न आ चुका है। तो ये मशीन जो है पूरी मेरी बॉडी को डिटेक्ट करने के बाद बता देगी कि मुझे क्या तकलीफ़ है। और जैसे कि मेरी मशीन ने डिटेक्ट कर दिया है, और सर अभी राइटिंग में लिख रहे हैं कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ है, तो वो मुझे समझा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम आ गए दूसरे काउंटर पर, जहाँ हमारा बीपी चेक हो रहा था। और जब उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, तो इट्स ऑलरेडी हाई लेवल पे आया, मेरा था 145/110। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ डिक्टेट की, बहुत सारी चीज़ समझाई। तो कभी भी आप याद रखिए कि अगर आपका बीपी लो है, तो प्लीज़ या हाई या लो, दोनों लेवल में अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ यहाँ अवेलेबल थी, जो जो हमने यूज़ की और जो हम हमारे फ्रेंड्स ने यूज़ की। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तो यस, जब मैं वहाँ से निकला, तो मुझे उन्होंने कंसल्ट किया ये डॉक्टर साहब को, और मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। एट दैट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि सर, जब भी बीपी वगैरह हाई होता है, तो उसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए आपको। तो हमारे पास बहुत सारा प्लान है आपके लिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ मुझे डिक्टेट की कि सर, जिस चीज़ को आप जो नॉर्मल समझ रहे हो ना, वो नॉर्मल नहीं है। बीपी मींस बहुत ही बड़ी बीमारी होती है, जिससे कभी भी बीपी हाई होने से आपको पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनकी सब बात सुना, और अब से मैं प्रॉपर मेडिकेशन करने वाला हूँ। तो उनसे ये मैंने कहा कि सर, मैं ज़रूर इसको करूँगा और अपनी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूँगा। वैसे भी मैं अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखता हूँ, तो मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ ऐसे अगर अपने कैंप्स लगते हैं, तो प्लीज़ आइए, डॉक्टर को विज़िट कीजिए और इस फैसिलिटी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरी डॉक्टर से बहुत सारी बातें हुई थी इस सिलसिले में, तो आगे चलते हैं। आई चेकअप की लाइन देखिए कितनी बड़ी लगी हुई है। सर, आई चेकअप हाशमीन आई है डायबिटीज चेक कराने, उसको पता चलेगा
यहाँ मैम लोग करा रहे हैं। मैंने ज़रा सी क्या मुंडी हटाई, हाशमी ने फटाफट डायबिटीज चेक भी करा लिया। तो वाओ, तो ये है बैनर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइज़र है, और ये रही, ये ऑर्गेनाइज़र है हमारे डॉक्टर साहब, और ये रही मीडिया। ये मीडिया ले रही है डॉक्टर साहब का इंटरव्यू, और यहाँ आए हैं हमारे बहुत पॉपुलर कॉमेडी एक्टर, जैसे कि आप जानते हैं मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं। तो इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी जो हुई है सबके लिए कैसी लगी आपको? ये जितनी भी दिख रही है आपको ये सब मेडिसिन की लाइन है, और ये एकदम ही फ्री है, मतलब जितनी भी दवाइयां हैं जो भी तकलीफ़ है आपको एकदम फ्री मिल रही है। देख रहे हैं आप भीड़ देख रहे हैं, रश देख रहे हैं कैसा रश है। तो चलिए आगे चलते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है कॉमेडी एक्टर VIP सर हैं, और जैसे कि मैं तो बोलना नहीं चाहता कि सर का तो सॉलिड एक्ट है, और ये साथ में मैम है जिनका ये जो ये ऑर्गेनाइज़र संगीता मैम है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था इनके साथ। ये डॉक्टर साहब हैं जो मेन हैं यहाँ के, इन सब की टीम ने मिला के हम सब के लिए इतना बड़ा जो ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कैंप, और ये सब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ताकि अगली बार से और लोग जुड़ सके और इससे अच्छा ये माहौल बन सके। आज मैं इतने सॉलिड डीपेस्ट सर से मिला हूँ, मेरे सर सुपर। सर कैसे हैं आप? बस कैसा लगा सर माहौल? माहौल माँ का, बाप का, दादा का, सबका याद दिला दिया बाबा। लवली लवली लवली, कमाल है भाई। एकदम माहौल देखिए, एकदम लोग यहाँ पे इमोशनल भी हैं और लोग भक्ति में भी है, और लोग पॉजिटिव होके जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मिले हमने सर से, कॉमेडी एक्टर, और चलते हैं और बहुत लोगों से मिलना है। बताना चाहेंगे मेरे ब्लॉग में सोनू का बहुत अच्छा ब्लॉग आता है। हाँ, इसको देखिए और लाइक कीजिए, शेयर। तो यस, जैसे कि आपने देखा मेरा पूरा यहाँ का जो हमारा फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें देखिए कितना शर्मा रहे इन लोग के। ये डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवाई लिखी है, हालांकि सच्ची बताऊँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे एसोसिएशन ने वाला बोला आ जाओ, तो मैं आ गया आप लोग से मिलने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मैं आप सबको दिल ही थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सब ने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल। तो ये देखिए अभी हो रहा है किसी का ट्रीटमेंट, ये हो रहा है कपिंग, ये होता है एग्जैक्टली जो पेन है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कहते हैं कपिंग थेरेपी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तो आपने देखा कि क्या क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, हर चीज़ फ्री है फिल्म इंडस्ट्री के लोग के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा ब्लॉग मैंने शूट कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। तो यस, फिर से आ चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन पे, और हम कैसा लग रहा है वापस आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे दही सर, पहले हमने जो पकड़ा था वो अंधेरी स्टेशन से DN नगर के लिए, लेकिन ये है हमारी अंधेरी स्टेशन से मतलब गोरेगांव से सीधा दही सर। कैसा फील कर रही हो आज तुम मेट्रो के बीच में बैठी हो? बहुत थक गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो गया वहाँ पे, सबसे मिले हमने, देखा आपने। तो चलते हैं आगे और घर पे ही ये ब्लॉग एंड करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। तो यस, मैं एक चीज़ और बताने जाना था कि आज जो होने वाला बिग बॉस का फिनाले, तो वो भी देखेंगे कि होप करते हैं हम मुनव्वर जीत जाए और मज़ा आ जाएगा। हमारा भाई है उधर करने वाले, खूब धमाल और खूब इन्जॉयमेंट, और हम सब फिंगर क्रॉस करके होप कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जीत जाए। Munawar.
हम सब इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है और ये चल रहा है सलमान भाई का एड और ये लास्ट है और हम सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरा मेरा घर इंतजार कर रहा है कि मुनव्वर अपना भाई जीत जाए और खूब सारा एंजॉय हो। तो लेट्स गो एंड प्ले। भाई टाइम पे टाइम लगा रहे हम सब की साथ से ऊपर नीचे हो रही है भैया। कैसा भी हो रहा नाजो So the winner is Munawar! तो उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और इसी तरह प्यार बरसाते रहे। लव यू।